नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज टुडे। देश इस साल अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 26 जनवरी का दिन हर भारतीय के लिए बेहद खास होता है। यह दिन भारतीय नागरिकों को लोकतांत्रिक रूप से अपनी सरकार चुनने की शक्ति को दर्शाता है। वहीं भारत के इतिहास में यह दिन कई तरह से महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि इस दिन को पूरे देश में हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस राष्ट्रीय त्यौहार की अपनी अलग खासियत है, जिसके चलते लोग इसे धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों ही मनाया जाता है? अगर आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा है तो आज हम आपको बताएंगे गणतंत्र दिवस के इतिहास और इसके महत्व के बारे में। दरअसल हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन पूरे देश में संविधान लागू किया गया है। वहीं 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ ही भारत को पूर्ण गणराज्य घोषित किया गया था। यही वजह है कि हर साल इस खास दिन की याद में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 1947 में भारत को मिली आज़ादी के बाद इसे लोकतांत्रिक बनाने के मकसद से देश का संविधान बनाना शुरू किया गया। वहीं 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुए भारत के संविधान को 26 नवम्बर 1949 में देश की संविधान सभा ने स्वीकार किया। इसके बाद अगले ही साल 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान लागू किया गया था। 26 नवंबर को स्वीकार किए गए भारत के संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया? ये सवाल लगभग हर भारतीय के मन में आता होगा। संविधान लागू करने के लिए इस तारीख को चुनने का भी एक खास मकसद था। दरअसल 26 जनवरी 1930 को अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वतंत्र घोषित किया था। ऐसे में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लागू होने की स्थिति के महत्व को ध्यान में रखते हुए संविधान लागू करने के लिए 26 दिन का दिन ही चुना गया था। 1950 में इसी दिन संविधान लागू करने के साथ ही देश को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया था। तब से लेकर अब तक हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। टुडे इज रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे तब मनाया जाता है जब हमारे भारत में रूल्स लिखे गए थे एक बुक में। भारत माता की जय। मैं अपने सारे ग्रुप के साथ यहाँ पे मौजूद हूँ और हमने आज के दिन ये झंडा का आयोजन किया है, ध्वजारोहण किया है। 26 जनवरी के दिन में यही कहूँगा, सबको यही संदेश देना चाहेंगे कि नशे से दूर रहें। ये नशा मुक्त भारत होना चाहिए हमारा। हमारे यूनियन में हम तो ये कहना चाहते हैं, जितने भी रिक्शा यूनियन के भाई हमारे सभी जो मिलके चलें, और जो हमारा मेन मुद्दा है कि जो हाँ जिस जगह गाड़ी नहीं जाती उस जगह पे हम गाड़ी अपने जो किराया है उस हिसाब से लेके जाएं और सुरक्षित उनके घर तक पहुँचाएँ। मतलब पुलिस वाले भी हमें सहयोग करते हैं और यह है कि हम भी ट्रैफिक का नियम पालन करते हैं तो वो हमारा भी साथ देते हैं। भारत माता की जय।